दोस्तों बिग बॉस ओटीटी 2 के वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट और बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव का एक मैसेज आया है सामने, जो कि है बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट समर्थ के लिए। और भाई ये कोई मैसेज नहीं है बल्कि सीधी साधी वार्निंग डेट डाली है एल्विश यादव ने कि भाई तुम अपनी हद में रहो, और अगर इस बार तुमने जिस तरीके से बुली किया है, पोक किया है अभिषेक को, अगर दोबारा किया तो भाई मैं सलमान खान सर से रिक्वेस्ट करके घर के अंदर आऊंगा एज ए वाइल्ड कार्ड, और भाई जो तुम्हारी खैर होगी, एक बार पोकिंग पर 10 थप्पड़ टिकेंगे और ऐसे टिकेंगे तुम्हें वहीं मुर्गा बन जाओगे। मतलब कि दोस्तों यहां पर एल्विश यादव सीधे सीधे यूके राइडर 07 के बाद अब अभिषेक को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और भाई आखिर करें भी तो क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक को अब बिग बॉस के घर के अंदर समर्थ और ईशा के द्वारा जो पोकिंग की जा रही है, उसको बुली किया जा रहा है ना, वो भाई बिल्कुल सरासर गलत है। आप ही बताओ यार दोस्तों, अगर कोई आपको इतना पोक करेगा, आपको कोई इतना बुली करेगा, तो अमूमन आपका हाथ उठ ही जाएगा। और भाई अगर आप मेरी मानो तो अभिषेक की जगह अगर वहां पर एल्विश यादव होते और ये समर्थ इस तरीके की पोकिंग करता, पहले तो इसकी हिम्मत ही नहीं होती एल्विश यादव को पोक करने की, और अगर कर भी देता तो भाई सच में ही ये बंदा 10 थप्पड़ मार देता एक पोकिंग पर। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।